बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के डिड बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। आज की कहानी है मिट्टी का खिलौना। याद शहर की एक सुनसान गली में एक बहुत बड़ा सेरेमिक स्टोर है, कलाकृति। पुराने मोहल्लों और नए अपार्टमेंट कल्चर के शहर में एक ऐसी जगह जहाँ का हर कोना आने वाले को अपनी जिंदगी की अलग अलग कहानी बताता हो। बीचों बीच बड़ा सा बरगद का पेड़ जिसमें तरह तरह की मिट्टी की घंटियाँ, मिट्टी की रंग बिरंगी तितलियाँ, मिट्टी की चिड़िया लगी हुई हैं, जैसे न जाने किसी अंतहीन उड़ान के लिए तैयार हों। और उसके नीचे एक बड़ी सी भट्टी, और उस भट्टी में तरह तरह की चीज़ें बनाती पसीना पोंछते वक्त अपने माथे पर ज़रा सी मिट्टी सजाए माया। 22 साल की उसकी बेटी है, पर लगता है जैसे बॉबी की डिंपल कपाड़िया हो, या चांदनी की श्रीदेवी हो, या गाइड की वहीदा रहमान। मिट्टी के सांचों की अपनी ही दुनिया में खोई हुई, जो बेजान मिट्टी से इतने खूबसूरत चीज़ें बनाती थी, वो खुद खूबसूरत कैसे ना होती। माया ने अपनी दुनिया अलग ही बसा रखी थी, जैसे उसे तन्हाई की भी जरूरत ना हो। पूरा दिन वो इस मासूम मिट्टी को जोड़ते और तोड़ते ही निकाल देती, लेकिन जैसे ही शाम को घर जाने का वक्त होता, वैसे ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती, जैसे शाम के चेहरे से धूप। शायद शाम होते होते माया की आंखों पे याद के लम्हे भारी पड़ने लगते थे। पति से तो बहुत सालों पहले तलाक हो चुका था, बच्चे अब विदेश में अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। बीत गए बरसों ने गम के हर नश्तर की धार हल्की कर दी थी, लेकिन अकेलेपन के खिलाफ जो जंग जीत चुके होते हैं, उनकी जिंदगी में भी कभी ऐसी शामें आती हैं जो वो खुद के सामने अपनी यादों, बीते मौसमों, पुराने खतों, किसी भूली हुई डायरी के पन्नों के सामने घुटने टेक देते हैं। वो भी ऐसी ही एक शाम थी। वो घर जाने के लिए हिम्मत जुटा ही रही थी कि बाहर कांच के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। दरवाजे पे स्टूडेंट नुमा एक लड़का खड़ा था, फटी हुई जीन्स, लंबा सा कुर्ता, लंबे लंबे बाल, थोड़ा पत्रकार दिखता था, थोड़ा चित्रकार और थोड़ा बेकार। उसने दरवाजा खोला और बोली, आई एम सॉरी, अब स्टोर बंद। वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले उस लड़के ने कहा, मैं आखिरी क्लास बंक करके 3 बसें बदल के 32 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे बड़ा इस शहर में आपका कोई फैन ही नहीं है। मेरा इतना हक बनता है कि आप 10 मिनट और घर ना जाएं। माया मुस्कुराई, बेबाकी उसे पसंद थी, बोली, हाँ हक तो बनता है, आइए। वो आर्ट्स कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, नाम था आदित्य। बोला, मैंने फाइन आर्ट्स आपके कारण चूज किया, आपका काम मुझे सालों से पसंद है, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि आप और मैं पिछले 3 साल से एक ही शहर में रहते हैं। आज मैं आपको सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आया हूँ, लेकिन अगले हफ्ते से मैं हर हफ्ते एक दिन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। माया कुछ कहती इससे पहले आदित्य ने कहा, हर सोमवार शाम के 5 बजे, इनकार मत करिएगा। इनकार करना जिस औरत की अदा ही बन चुकी थी, जिसने जानबूझ के सबको इनकार के 2 हाथ के फासले पे रखा था, अपनों को, यादों को, खुशियों को, उस औरत से आज ये अनजान लड़का कह रहा था कि इनकार मत करिए। लेकिन शायद इतने अधिकार से माया से बरसों से किसी ने कुछ मांगा ही नहीं था। शायद इतने अधिकार से माया ने बरसों से खुद से भी कुछ नहीं मांगा था। वो बोली, ठीक है, हर सोमवार को 5 बजे, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। 1, हम सिर्फ आर्ट की बातें करेंगे, और 2, अगर उस दिन बारिश हो रही हो तो हम नहीं मिलेंगे। बारिश का और मेरा कुछ पर्सनल सा नाता है, उसमें किसी तीसरे की जगह नहीं है। वो बोला, ठीक है, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। 1, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, पर मेरा आपका गुरु शिष्य का नहीं, फेलो ट्रैवलर्स का रिश्ता होगा। 2, हम सिर्फ आर्ट के बारे में बात करेंगे।
उसने बेबाकी से हाथ बढ़ा दिया। मैंने बताया था ना, माया को बेबाकी पसंद थी। उसने एक सेकंड रुकने के बाद हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर चाय ऑफर की और फिर आदित्य चला गया। उस रात माया काफी देर तक उलझी रही। वो रोज डायरी लिखती थी, रोज कुछ भी लिखने को नहीं होता था, और आज जब लिखने को था तो शब्द बेमानी कर रहे थे। क्या कहे वो आज की इस अजीब मुलाकात के बारे में? कौन था ये लड़का, क्या चाहता था? एक 42 साल की औरत और 26 साल के लड़के के बीच में बराबरी की दोस्ती चाहता था, इतनी हिमाकत? पर माया, तुम्हें तो हिमाकत पसंद है ना? जैसे वो डायरी के पन्ने पे बैठ के कह रहा था, तुम्हें तो बेबाकी पसंद है ना? आपसे इतनी जल्दी तुम पे आ गया। माया ने कंप्यूटर ऑन किया। फेसबुक पे 11 फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। तन्हाई पसंद खूबसूरत माया ने सबको इग्नोर कर दिया। डायरी का पन्ना अब भी उसे देख रहा था, कह रहा था, मुझ पे कुछ लिखो। माया ने डायरी को देखा और एक हसीन जल्लाद की तरह मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, जा, आज तू सादा ही रहेगा, तेरी यही सजा है। सोमवार गुजरने चालू हो गए। हर मंडे 5 बजे आदित्य घड़ी देख के पहुंच जाता था। दोनों घंटों आर्ट की बातें करते। वो उसे अपनी बनाई हुई मूर्तियां, छोटे छोटे मिनिएचर्स और हवा में तैरती मिट्टी की चिड़ियाएं दिखाती। कभी आदित्य गीली मिट्टी में हाथ सान के कुछ खूबसूरत सा बना के उसे सरप्राइज कर देता। कभी वो एक दूसरे की तारीफ करते, कभी वो बहस कर बैठता कि नहीं, इसको तो ऐसे बनाना चाहिए था। फिर हंस पड़ते पुराने दोस्तों की तरह। 4 महीने बीत गए, 16 सोमवार। ये 16 सोमवार का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार होता है। लड़कियां जब शादी के बाजार में कदम रखती हैं तो माएं 2020 क्रिकेट मैच की तरह उन्हें 16 सोमवारों का नुस्खा बता देती हैं। 16 सोमवार व्रत रखो और अच्छा पति पाओ। जैसे नूडल के पैकेट में से एक एक स्टिकर जोड़ के 16 स्टिकर जमा करो और बदले में एक खिलौना पाओ। जब वो कॉलेज में थी तो माया ने भी इसी तरह एक खिलौना पाने के लिए 16 सोमवार के 16 स्टिकर जमा किए थे। भगवान का दफ्तर उन दिनों काफी चुस्ती से चल रहा था। 16 सोमवार के कुछ सोमवार बाद माया को उसके स्टिकर वाला खिलौना मिल गया था। अमर सिंह राठौर, किसी भयंकर घराने का कोई भयंकर आदमी। और जल्द ही माया को पता चला कि 16 स्टिकर्स के बदले जो खिलौना मिला था वो तो वो खुद थी। सुना है उनके यहाँ औरतों पे हाथ उठाना बैडमिंटन की प्रैक्टिस की तरह था, हर दूसरे तीसरे दिन होती थी। अपनी फाइन आर्ट्स का गोल्ड मेडल कहीं बड़े से संदूक में बंद करके लंबा सा घूंघट काढ़े एक हवेली में खाली कमरे में सोचा करती थी कि क्या इस जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी छोड़ दी। ये मिट्टी के कपलेट तो हमारे गांव का कुम्हार भी बना लेता है, इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी डिग्री की क्या जरूरत थी, यही कहा था उसने। क्या सोच रही हैं आप आज, आदित्य बोला। माया चौंक पड़ी। माया के ख्याल उस दिन कैद में एक तितली की तरह किसी पुरानी यादों की हवेली में भटक रहे थे। आदित्य ने कहा, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसने पैकेट से अखबार फाड़ा और हाथों से बनाया हुआ तोहफा सामने मेज पे रखा। 6 खूबसूरत मिट्टी के कपलेट। हफ्ते गुजरते गए। हर सोमवार का पड़ाव अपने साथ कुछ नया लेके आता था। हर रोज माया को आदित्य के बारे में कुछ नया पता चलता था। ये 26 साल का लड़का उसके लिए धीरे धीरे एक हसीन पहेली बनता जा रहा था। उसके बारे में और जानना चाहती थी, उससे सैकड़ों सवाल पूछना चाहती थी। उसकी जिंदगी के बारे में, उसके रिश्तों के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा था इस बारे में। लेकिन मजबूरी थी, रूल्स तो क्लियर थे, वो सिर्फ आर्ट पे बात कर सकते थे। माया को पता ही नहीं चला कब ये अनजान सा लड़का उसकी जिंदगी में ऐसी कमी, ऐसी खला भर गया जिसके होने का उसे एहसास ही नहीं था। वो शायद इस बेवकूफ लड़के को पसंद करने लगी थी। उनके बीच का उम्र का अंतर एक बड़े से साइनबोर्ड की तरह उसके सामने आके खड़ा हो जाता था। वो छेड़ने के अंदाज में खुद को आईने में देख के गाने लग जाती, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन।
एक सोमवार 5 से 5:15 बज गए, फिर 5:40, फिर 6:30। आदित्य नहीं आया। माया अपनी वर्कशॉप में अकेली बैठी रही, जैसे खुद भी वैसा ही बुत बन गई हो जैसा वो कितनी खूबसूरती से तराश लेती थी। आज जैसे मिट्टी की चिड़ियाओं ने उड़ना बंद कर दिया था, घोड़ों ने दौड़ना रोक दिया था और मिट्टी के छोटे छोटे हाथियों ने अपने छोटे छोटे कदम रोक लिए थे। हर एक लम्हा माया की आंखों में एक कंकड़ बन के चुभ रहा था। पता ही नहीं चला कब वो कंकड़ आंसू के कतरे बन गए और उसकी आंखों से चल निकले। माया ने अचानक महसूस किया कि ये एक अलमस्त आदमी जो 4 महीने पहले उसके कांच के दरवाजे पे 10 मिनट के लिए मिलने की मोहलत मांग रहा था, उससे आज कितने गहरे इंतजार का नाता जुड़ गया था। वो माया जिसको कभी किसी की जरूरत नहीं थी, वो अपने दिन को, अपने उस लम्हे को, शायद खुद को उसके बिना अधूरा महसूस कर रही थी। पर वो कहां था? माया के चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उस सन्नाटे में फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनते ही माया अपने ऑफिस की ओर दौड़ी। मकड़ी के जालों की तरह 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 के बुरे ख्यालों को मन से हटाती हुई उसने फोन उठाया। आदित्य का था। माया ने कहा, ओ माय गॉड, आई एम सो रिलीव्ड। कहां हो तुम? मेरी जान ही निकल गई थी। आदित्य ने कहा, आई एम सॉरी माया, मेरी गाड़ी का फ्लैट टायर हो गया था और मेरे मोबाइल फोन में बैटरी खत्म हो गई थी। मुश्किल से टायर ठीक कराया और एक पब्लिक फोन ढूंढा। मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊंगा। मैं अगले मंडे मिलता हूँ। आई एम रियली सॉरी। माया ने कहा, पागल हो क्या? मैं बस थोड़ा घबरा गई थी। माया बस फोन रख के पलटी ही थी कि फोन फिर बजा। उसने कहा, हेलो। दूसरे एंड से आवाज आई, मैं अमर बोल रहा हूं, तुमसे कोर्ट के कुछ पेपर साइन करवाने हैं, वो पुराने केस के बारे में। मैं एक दिन के लिए शहर आ रहा हूं, आके साइन करवा लूंगा। माया कुछ कहती इससे पहले उसने कहा, मंडे को 4:30 बजे। पुरानी जिंदगी का सोमवार और नई जिंदगी का सोमवार दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए थे। अगले सोमवार 4:25 पे एक लंबी सी गाड़ी वर्कशॉप के दरवाजे पे रुकी। कुछ पल बाद कांच के दरवाजे पे अमर सिंह राठौर का वही चेहरा था जिसे कई कई साल पहले माया ने आखिरी बार अलविदा कहा था। भयंकर खानदान का भयंकर आदमी, पर शेर भी कभी बूढ़े होते हैं। अमर सिंह राठौर कागजों पे दस्तखत कराने नहीं, इतने सालों बाद माफी मांगने आया था। 15 मिनट की तकल्लुफ भरी बातों के बाद माया की आंखों में सीधा देखा और कहा, माया आई एम सॉरी, मैं गलत था, मैंने कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। उस दिन बारिश हो रही थी, पेड़ पत्तियां मिट्टी के खिलौने सब धुल के नए हो गए थे। एक खूबसूरत लाल साड़ी पहने हुए माया अपने कोर्टयार्ड में खड़ी बारिश को देख रही थी। शायद वो भी नया होना चाहती थी, जैसे कोई पहुंचा हुआ कारीगर किसी सफेद रंग की दीवार पे कांच के सितारे धीरे धीरे जड़ रहा हो, वैसे ही माया के सामने अपनी जिंदगी के भूले हुए लम्हे एक कलाइडोस्कोप की तरह एक के बाद एक नजर आ रहे थे। यादों की पुरानी सिनेमास्कोप ब्लैक एंड व्हाइट रील पे आदित्य का रंगीन चेहरा बार बार चमक रहा था, जैसे याद और ख्वाब दूर कहीं बगीचे में मिल रहे हैं। करीब 5 मिनट बाद अमर सिंह राठौर मुड़े और अपनी गाड़ी की ओर वापस चल दिए। एक सेकंड के अंदर आदित्य आ गया। उसने अमर सिंह राठौर को गाड़ी में जाते हुए देखा, बोला, ये कौन थे? कोई बिगड़े हुए रईस? माया ने बिना कुछ कहे हुए उसे देखा और बोली, नहीं, मेरे एक्स हस्बैंड, मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं। आदित्य ने कहा, ओह। माया ने कहा, लेकिन उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा। आदित्य कुछ पल खामोश रहा,
जैसे हवा के रुख का अंदाजा कर रहा हो। फिर बोला, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मेरे 16 सोमवार पूरे हो गए हैं। माया ने कहा, शायद हमारे बीच कुछ शर्तें तय हुई थी, वो शर्तें बच्चों का खेल थी माया, ये तुम भी जानती हो, लेकिन रिश्ते बच्चों का खेल नहीं होते, माया ने कहा। वो बोला, हम बच्चे हैं भी नहीं। मेरी उम्र में नेपोलियन फ्रेंच आर्मी का कमांडर इन चीफ बन गया था। माया ने कहा, तुम नेपोलियन नहीं हो। वो बोला, देवदास भी नहीं हो। जीना चाहता हूं, हंसना चाहता हूं, तुम्हारा साथ चाहता हूं। बारिश तेज हो रही थी। माया अपनी मेज से कागज और कलम उठा के लाई और बोली, तुम छोटे हो इसलिए काम तुम करोगे, चलो इस कागज पे नई शर्तें लिखते हैं। पहली, हम रोज मिलेंगे, और दूसरी, सिर्फ आर्ट की बातें नहीं करेंगे, और जब बारिश होगी तो मेरे, बारिश के और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। इतनी सी थी ये कहानी।